दोस्तों ऑफिशियल विमलेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ घंटे को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल पे इस तरह की वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। क्या दोस्तों आपके भी स्मार्टफोन पे ओटीपी नहीं आ रहा है? क्या दोस्तों आपको इंतज़ार करना पड़ता है ओटीपी के लिए और वहाँ पे आपका ओटीपी नहीं आ रहा है? तो दोस्तों आपको इस वीडियो में बने रहना होगा, मैं ओटीपी की प्रॉब्लम को इस वीडियो में फिक्स करने वाला हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए चलते हैं बताते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नंबर फर्स्ट आपको मैं बता देता हूँ, ओटीपी अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले रिचार्ज करना होता है, ठीक है। आपको 149 वाला रिचार्ज करना है वीआई के लिए, ठीक है। 199 वाला रिचार्ज करना है एयरटेल के लिए, और ठीक है आप अपने प्लान देख सकते हो जाके, ठीक है। कहाँ पे जाके देखोगे? आप ऐप में जा सकते हो, गूगल पे लिख के देख सकते हो। कोई ना कोई आपके पास प्लान होना चाहिए तब ही आपके पास ओटीपी आएगी, वो भी अनलिमिटेड वाला प्लान होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, तभी ओटीपी आती है, ठीक है। आपके फ़ोन में अनलिमिटेड वाला प्लान होगा तभी आपके फ़ोन में ओटीपी आएगी, ये ध्यान रखना नंबर एक, ठीक है। अगर आपका सब कुछ ये सही है यानी कि आपने करा रखा है फिर भी ओटीपी नहीं आ रहा है तो आपको देख लेना होगा आप जिस प्लेटफॉर्म की ओटीपी प्राप्त कर रहे हैं वहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ठीक है। अगर रजिस्टर्ड है फिर भी ओटीपी नहीं आ रहा है तब आपको क्या करना है? तो चलिए सेटिंग को आपको कर लेना होगा जो मैं बताऊंगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको अपने गूगल के प्ले स्टोर में आना होगा, यहां पे आपको लिखना है मैसेज, ठीक है। इस तरीके से जितने भी न्यू स्मार्टफोन हैं उनमें गूगल का मैसेज दिया जाता है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से, ये देखो रहा, ठीक है। इसी पर हम क्लिक करते हैं, ये आपको दिया जाता है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी बहुत, यहां लिव लिखा है, यहाँ पे लिव लिखा है, यहाँ पे ज्वाइन का बटन होगा, आपको ज्वाइन कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये अपडेट के लिए होगा, इसे आपको यहाँ से अपडेट करना होगा, ठीक है। इसे अपडेट करने के बाद क्या करना है, चलिए इसे अपडेट कर लेते हैं पहले। जैसे ही अपडेट हो जाएगा अब यहाँ से बैक करना है। अब आपके ओटीपी में अगर जीमेल पे ओटीपी लेना चाहते हो, जीमेल पे प्रॉब्लम आ रही तो जीमेल को भी यहाँ से आपको अपडेट करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जीमेल भी डाल देते हैं यहीं, और हम अपनी जीमेल को भी अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जीमेल को भी अपडेट कर देते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जीमेल भी यहाँ पे अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, अब यहाँ से आपको बैक चलना है, ठीक है। तो बैक चलने का दोनों ऐप आपने अपडेट कर लिए होंगे, अब यहाँ से बाहर निकलना है। अब आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है आपका जो गूगल का डायलर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दबा के रखना है, या कोई भी डायलर है उसको दबा के रखना है, और यहाँ ऐप इन्फो पे क्लिक करना है। ऐप इन्फो पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसे आपको सबसे पहले फोर्स स्टॉप करना है, स्टोरेज यूज पे क्लिक करके क्लियर कैच करना है, क्लियर डाटा नहीं करना है नहीं तो मैसेज डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डाटा यूज डिटेल पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन ऑन होना चाहिए बैकग्राउंड डाटा, ठीक है। अगर आपके फ़ोन में ये सेटिंग है तभी आपको करनी है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ओपन बाय डिफ़ॉल्ट लिखा है, यहाँ पे आपको ओपन सपोर्टेड लिंक पे क्लिक करके इससे आपको ऑलवेज आस्क करना है, ठीक है। अगर आपके फ़ोन में ये सेटिंग है तो, ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे और भी बताऊँगा। गूगल यहाँ पे आपको सपोर्ट लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे लिखा है मैसेज, इस तरीके से इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे मोबाइल की सेटिंग में, ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करना है, ऐप लिस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। जहाँ पर भी आपके ऐप होते हैं वहाँ पे चले जाना होगा किसी भी फ़ोन में। जीमेल पे आपको क्लिक करना है, जीमेल को यहाँ से आपको फोर्स स्टॉप करना है इस तरीके से, स्टोरेज यूज़ पे क्लिक करना है, क्लियर कैच करना है, क्लियर डाटा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे डाटा यूज डिटेल पे क्लिक करेंगे, ये दोनों ऑप्शन आपके बंद होने चाहिए जैसे यहाँ पे हैं, ठीक है। उसके बाद बैक करेंगे, यहाँ पे आपको परमिशन पे क्लिक करना है। परमिशन आपकी यहाँ पे स्टोरेज फ़ोन वगैरह सभी की होनी चाहिए तभी ओटीपी आपको मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ओपन सपोर्ट लिंक पे ऑलवेज आस्क कर लेना है, सपोर्ट लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर फर्स्ट जो है, ठीक है, वहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको बाहर निकलना है, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों आपको देख लेना है कि आपके पास ओटीपी
झट से आना स्टार्ट हो जाएगी, मैं ये गारंटी लेता हूँ, ठीक है। नहीं तो आपको जिस भी प्लेटफॉर्म से OTP प्राप्त करना चाह कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे रीसेंड OTP कर देंगे, फिर भी आपकी OTP आ जाती है, ठीक है। अब आपके WhatsApp वगैरह किसी में आप OTP नहीं आ रही है, क्रिएट कर रहे हैं अकाउंट, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, उसी बॉट जैसे Instagram में नहीं आ रही तो Instagram पे क्लिक करेंगे, इसका info में जाके इसका क्लियर डाटा नहीं करना है, केवल WhatsApp कर देना है, ठीक है, जिससे कि मैं बता चुका हूँ। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन कीजिए, एक बार OTP जरूर आएगी आपके पास, ठीक है। तो विदा लेता हूँ, अगर दोस्तों OTP नहीं आ रही है फिर भी तो आपको कस्टमर केयर से बात कर लेनी होगी, अपनी प्रॉब्लम बता देनी होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।